कैची धाम जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। कैची धाम में श्रद्धालुओं का दबाव इस वक्त जो इन दिनों जो है वो काफी बढ़ गया है। विशेष रूप से त्योहारी सीजन और छुट्टियों के दौरान यहाँ भारी भीड़ जो है उमड़ रही है, जिससे यातायात और स्थानीय जो व्यवस्थाएं हैं उनमें दिक्कतें आ रही है। यहाँ की पार्किंग की समस्याएं श्रद्धालुओं के लिए कठिनाई का कारण बन गई है। प्रशासन पर इस दबाव को नियंत्रित करने की चुनौती भी है, तो इस बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने एक ठोस योजना बनाई है। योजना के तहत जो है भवाली से कैची धाम तक की प्रमुख सड़कों को चौड़ा करने और पार्किंग जो है स्थलों को यहाँ पर व्यवस्थित करने का कार्य तेज किया जा रहा है। इसके अलावा यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई जाएगी और विशेष रूप से भीड़भाड़ वाले यहाँ पर घंटों में जो है ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था की जाएगी। तो प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यात्रा को सुगम बनाने के लिए कैंप लगाए हैं और हेल्प डेस्क की भी यहाँ व्यवस्था की है। इसके अलावा यहाँ प्रशासन ने विशेष बस सेवाओं की शुरुआत की है, ताकि श्रद्धालु जो है वो बिना किसी यहाँ परेशानी के कैची धाम तक पहुंच सके। इन बस सेवाओं का उद्देश्य निजी वाहनों की संख्या को नियंत्रित करना है और ट्रैफिक जाम की व्यवस्था को कम करना है। इसके साथ ही डिजिटल माध्यम से श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन देने के लिए सूचना के माध्यमों का भी यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा यहाँ जा सके। उत्तराखंड में हाल ही में मौसम में तेज बदलाव देखने को मिल रहा है, जिससे दिन और रात के तापमान में भारी अंतर महसूस हो रहा है। सुबह ठंडी हवा चलती है, लेकिन धूप के साथ साथ तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है, जो कि दोपहर में तेज गर्मी का एहसास कराती है। और ऐसे में शाम होते ही तापमान में गिरावट आती है और रात में ठंडक का एहसास गहरा जाता है। इस परिवर्तनशील मौसम से न केवल लोगों की दिनचर्या पर असर पड़ा है, बल्कि यहाँ पर मौसमी बीमारियों जैसे सर्दी, खांसी और फ्लू के मामलों में भी वृद्धि जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है, जिससे लोग परेशान हैं। ऐसे में देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने हाल ही में पूर्वानुमान जारी किया है कि आगामी दिनों में तेज धूप और शुष्क मौसम की जो है संभावना बनी रहेगी। हालांकि यहाँ पर सुबह और रात में ठंडक का जो एहसास होता रहेगा, पर मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यहाँ पर असमान तापमान के चलते मौसमी बीमारियों के जो मामले है वो बढ़ सकते हैं, विशेष रूप से जो है उन लोगों में जो स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता रखते हैं। वह स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि वे इस बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल यहां रखें। तो वही दोपहर में तेज धूप से बचने की हिदायत भी दी गई और सुबह शाम जो है गर्म कपड़े पहनकर ठंड के प्रभाव से बचने के सुझाव भी दिए गए हैं। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमारियों से ग्रस्त लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों ने बताया कि इस मौसम में नियमित स्वास्थ्य जांच और सही देखभाल करना बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि बदलते मौसम में बढ़ने वाली बीमारियों से बचा जा सके और सभी लोग यहां स्वस्थ रहें।